आज देखेंगे किसमें कितना है दम, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जितने भी कॉन्सेप्ट हमने इस सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स में सीखे हैं उन पर आधारित एक एक्सरसाइज देने वाला हूं, जो कि आप लोगों को सॉल्व करनी है। और अगर आप लोगों ने ठान लिया है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख दो चैलेंज एक्सेप्टेड, सब लोग लिख देना देखो, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि यार मेरी एनर्जी तो हाई है इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और मैंने ये वीडियो 33 के नाम से एक फोल्डर भी बना लिया है, रेडी रखा हुआ है। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ अभी कि क्या आप लोगों को करना है इस एक्सरसाइज में। मैंने पिछली एक्सरसाइज के शाउटआउट्स वगैरह अपलोड कर दिया है वीडियो, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। और इस बार मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि आप लोगों को मिलेगा सबको शाउटआउट जो जो नीचे कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्टेड लिखेगा। तो करना क्या है आप लोगों को इस एक्सरसाइज में, मैं बता देता हूँ। आप लोगों को एक नैव बार डिज़ाइन करना है, और एक नैव बार को डिज़ाइन करने के बाद आप लोगों को एक स्टाइल शीट बनानी है जिसमें मैं सिर्फ एक वेरिएबल चेंज करूँगा, यानी कि आप लोगों को कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स बनाने हैं और उन ग्लोबल वेरिएबल्स के हिसाब से आपके कलर का जो कॉन्ट्रास्ट है वो चेंज होगा। यानी कि आप लोगों को एक मल्टी कलर नैव बार बनाना है, और आप लोग ये सिंपली कर सकते हैं CSS वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके। मैंने CSS वेरिएबल्स बताया आप लोगों को वीडियो नंबर 30 में, तो आपको वीडियो नंबर 30 की में बताए गए जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको प्रयोग करते हुए इस मल्टी कलर नैव बार को बनाना है। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ अभी यहाँ पर कि हम धीरे धीरे ट्रांजिशन करेंगे एक फुल वेबसाइट बनाने पे। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर करने के बाद, जैसे कि फ्लेक्स बॉक्स हो गया हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास ग्रिड हो गई, फिर ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस हो गए, वो सब के बाद फिर हम फुल ऑन वेबसाइट्स बनाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं कि फुल ऑन वेबसाइट्स कब बनेंगी अच्छी वाली, तो यार उनका इंतज़ार बहुत जल्दी ओवर होने वाला है, लेट मी टेल यू। सो आई होप कि आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली है, और जो सोर्स कोड है वो भी अपलोड होता जा रहा है, तो उसको भी आप लोग एक्सेस जरूर कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।